आज तक टीवी लाइव, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों की। पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने वरिष्ठ भाजपा नेता को दिया जान से मारने की धमकी। लंबुआ सुल्तानपुर पूर्व सपा विधायक संतोष पांडे ने वरिष्ठ भाजपा नेता को दिया जान से मारने की धमकी। महेंद्रनाथ मिश्रा कोटेदार के यहां बरही संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वरिष्ठ भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी को सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी। विवाद बढ़ता देख अपने जान माल की रक्षा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। जानकारी दूरसंचार के माध्यम से मिली। विधायक देवमणि द्विवेदी ने योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस की बात कहते हुए उच्च अधिकारी को उचित कार्रवाई के निर्देशानुसार देते हुए लखनऊ से वरिष्ठ भाजपा नेता जयशंकर त्रिपाठी के घर के लिए रवाना हो गयी। कार्यकर्ता और पत्रकार बंधुओं को 3 बजे तक जयशंकर त्रिपाठी के घर पहुंचने का आग्रह किया था। सुल्तानपुर से संवाददाता राम मूरत वर्मा की रिपोर्ट। उसमें हमें भी आमंत्रित किया गया था और मेरी बिना जानकारी के और विधायक संतोष पांडे जी भी आमंत्रित किए गए थे, जिसकी जानकारी हमको नहीं थी। मैं बैठा था, 10 मिनट बाद वो भी आ गए। बच्चे का केक काटा गया जन्मदिवस के रूप में। बाद में मेरे पगल बैठ गए, उन्होंने कहा तुम्हारी गुंडई बहुत चल रही है, सुधर जाओ, ना है तो इसी जूते से मारूंगा तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए। मैंने कहा विधायक जी मैंने क्या गलती की आप बताइए। बस इतने उतर गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे। इसके बाद इनके साथ जो लोग आए थे वो सारे लोग हमें बंदूक से सटा दिए, यहाँ तक हमारी मुँह में बंदूक की नली भी डाल दिए और कहा मैं सबको चिन्हित कर रहा हूँ, इसको साले को तो मार डालना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन चुनाव बीतने दीजिए। इसलिए इस लायक मैं हूँ, जो मरिया भी इनको नहीं बचा पाएगा, जो हमारे सम्मानित विधायक जी हैं। और कहा बाबा की सरकार तो जाएगी, बाबा बचेंगे नहीं, सरकार मेरी आएगी। मैं सरकार रहे या ना रहे, मेरी सरकार बने, लेकिन आपने थाने में दिया, मैं सरकार बने या ना बने, मैं आपसे आप लोगों से निपटने लायक मेरी स्थिति है। इसकी तहरीर आपने थाने में दिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तहरीर भी दिया हूँ, मुकदमा भी पंजीकृत हो गया।